अल्कोहल पे आ जाते हैं वापस से, हम बैक करते हैं। तो अल्कोहल पे मैंने पहले प्रीवियस वाले लेक्चर्स में रिडक्शन कराया था, याद है ना? आज आज हम ऑक्सीडेशन करें, क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ तो अल्कोहल मतलब यहाँ पे क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। क्या है? प्राइमरी। ध्यान देना, ये इसका कोई आयु पे बताएगा मुझे? इसका इस कंपाउंड का आयु भी ऐसे ये इथेनॉल है। चलो इसका कॉमन नेम बताओ। इथाइल अल्कोहल। वेरी गुड। क्या ये इथाइल अल्कोहल? अब ये अल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है? प्राइमरी। क्यों? ओएच के रिस्पेक्ट में ये कार्बन ये स्पेशल हो गया, और ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? एक। तो ये प्राइमरी। हाँ या ना? यस सर। अब बगल में मैंने कुछ रिएजेंट लिखा है, मतलब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ या ना? राइट। यस सर। ये माइल्ड है, क्या है? माइल्ड। और एक और आता है स्ट्रॉन्ग आता है, क्या आता है? स्ट्रॉन्ग। तो अभी फिलहाल माइल्ड में तीन रिएजेंट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, पीडीसी, पीसीसी और कॉपर। ये पीडीसी का फुल फॉर्म है पाइरिडिनियम डाइक्रोमेट, और जो पीसीसी है पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। तो मैं खाली बस इतना ही लिख के आएगा, पीडीसी या पीसीसी। ये तो मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये पाइरिडिनियम है, जैसे K2Cr2O7 होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वैसे ये पाइरिडिनियम हो गया DiCl2O7। और यहाँ पे पाइरिडिनियम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और HCl भी मिक्स किया गया है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन के ये बनेगा पीसीसी। राइट। और एक बनेगा पीडीसी। पीडीसी और पीसीसी ये दोनों के दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो तीसरा है वो है कॉपर। राइट। तो ये तीनों को मैं यूज करूँ, ये तीनों के तीनों रिएजेंट है ना, ये इस अल्कोहल को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पीडीसी, अगर तुम चाहो पीडीसी के जगह पे पीसीसी भी चलिए तो वो भी चलेगा, दोनों में रख देता हूँ। और पीडीसी या तो पीसीसी, ये क्या सप्लाई करेगा? ऑक्सीजन सप्लाई करेगा इसको अल्कोहल। चाहो तो मैं यहाँ पे कॉपर भी ले सकता हूँ, बट कॉपर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है? बस इतना याद रखना। इसलिए मैं पहले पीडीसी फर्स्ट और सेकेंड नंबर को कवर करता हूँ, बट ये तीनों से प्रोडक्ट एक ही मिलने वाला है और तीनों के तीनों रिएक्ट करेंगे इस अल्कोहल के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पहले मैं शॉर्टकट बताता हूँ तुम्हारे लिए, सबसे प्यारा शॉर्टकट, ठीक है? क्या करोगे, ये हाइड्रोजन यहाँ से उड़ा दो, इस कार्बन पे OH है, OH से एक हाइड्रोजन हटा दो, और यहाँ से ये कार्बन पे है ना, दो दो हाइड्रोजन है, कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दो, ऐसा ही लिखा है ना? राइट। तो ये डैश जो है ना, यहाँ से OH है ना ये, और इधर का H, ये H को यहाँ से गायब कर दो, गायब हो गया, और इधर का भी एक H गायब हो गया, ठीक है? हट गया। और वो दोनों H कहाँ गए? O के साथ, वाटर बाहर। अब ये बॉन्ड को क्या करो, वहां पे रख दो। आया ना? ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? इधर। इसका प्रोडक्ट जो बनेगा पूरा तुम्हें एच लिखना पड़ेगा यहाँ। आया ना? ये ऐसा है, इससे मैंने को कलर चेंज कर, तो समझ लेना यहाँ से इसका ये जो अल्कोहल है ना प्राइमरी अल्कोहल, तो प्रोडक्ट में खाली ये एच एच को गायब कर दो, ये बॉन्ड जो है ना उस बॉन्ड को वहां पे मोड़ दो और डबल बॉन्ड हो, और ये क्या बन जाएगा? एथेनॉल। वेरी गुड। क्या बना? एथेनॉल। और इसको क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड। आया ना? यस सर। तो देखोगे तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो, मतलब प्राइमरी अल्कोहल ने क्या दिया हमें? एल्डिहाइड दे दिया। आया ना? प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिला? एल्डिहाइड। कौन सा रिएजेंट यूज किया? पीडीसी या पीसीसी। अगर देखा जाए तो कैसे क्या हुआ वो देखना चाहोगे? शॉर्टकट तो अच्छा लगा होगा मुझे पता है। हाँ सर। अब लोगों के साथ क्या लॉन्ग कट जरूरत ही नहीं है, यही समझ में आ गया, बहुत अच्छा लगा। इसका लॉन्ग कट भी बता देता हूँ,
ठीक है, क्या होगा, ये रख कर दो मैं पेन, ये भी हटा रहा हूँ, ठीक है ले लिया। यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन इसकी एंट्री करा, ये हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन बहुत छोटू छोटू है, स्मॉलर साइज के, तो ये पतलू पतलू, और ये मिथाइल क्या है थोड़ा मोटू मोटू, ऐसी कहानी है यहाँ, तो ये ऑक्सीजन की एंट्री कहीं पे भी करा दो, चाहे इधर ऐड कर दो, चाहे इधर ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो, ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंट्री ले, एंट्री लेते ही कार्बन के साथ सी एस थ्री, जैसे एंट्री लिया यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, OH, क्या बन जाएगा, OH। अब एक कार्बन पे दो OH क्या हो जाए, क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल आया ना, अनस्टेबल हो जाएगा, यस और नो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये H निकला यहाँ से वाटर बाहर, और यही बॉन्ड यहाँ पे है ना, बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड हो वही बनेगा, क्या ये सभी को समझ में आया ना, मतलब कुछ करना नहीं है, वही कार्बन पे जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन को एंट्री दे दो, कहाँ पे एच के पहले OH, और एक कार्बन पे दो OH आते हैं, क्या हो जाएगा, कंपाउंड अनस्टेबल, और इमीडिएटली वाटर निकल जाएगा, क्या बाहर निकला वाटर, तो वाटर बाहर निकलते ही डबल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, समझे क्या, मुझे पता है सबसे अच्छा शॉर्टकट अच्छा था, ठीक है चलो, तो इसको हटा दूं मैं, जैसा था उसको एज इट इज कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पे H, और यहाँ पे भी क्या है H, और ये क्या है इथाइल अल्कोहल, आया ना, तो ये H, ये H बैक कर दो, ये बॉन्ड को मोड़ दो, वहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, वापस से अब ये प्राइमरी को हटा रहा हूँ, और यहाँ पे प्राइमरी के जगह पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ सेकंड, बट एक काम करता हूँ, रुक जाओ, मैंने प्राइमरी लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉमन रख गया, अच्छा कॉपर का एक फ्लो में देता हूँ, ठीक है फिर सेकेंडरी कर देता हूँ बस, ये तो और भी आसान है, अब तुम समझ गए ना, अब इसको मुझे सेकेंडरी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर H निकाल के ये H ऊपर वाला निकाल, ठीक है, और CS3 ऐड कर, अब बताओ इसका नेमिंग क्या होगा, प्रोपेन टू ऑल, और कॉमन नेम बताओ, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, और ये कार्बन स्पेशल है, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, दो, आया ना, क्या हो गया सेकंड, अब वापस से वही कहानी पुरानी, अदिति वही शॉर्टकट, और ये एच गायब कर दो, ये बॉन्ड खो दो मोड़ दो, तो सीधा सीधा क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा, और इसका नेमिंग क्या होगा, बताओ बताओ, देखो ना ये एच एच गया ओ के साथ, किसके साथ, ओ के साथ, राइट, और एक कीटोन बना, इसको क्या लिखेंगे, एसीटोन प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन ऑन भी चलेगा, एसीटोन और डाइमिथाइल कीटोन, पता है ना ये नेल पॉलिश रिमूवर होता है, ठीक है ना, ये प्रिपरेशन होता है, क्या ये सभी को समझ में आया, क्लियर है बच्चा, आया ना, समझे क्या, चलो जल्दी से अब कॉपर के साथ खेलते हैं, तो पीडीसी पीसीसी क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट, यहाँ पे और बताओ कॉलेज में आजकल क्या कर रहे हो तुम लोग, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, आंसर दे रहे हो कि नहीं टीचर को, आए हाँ
बचाओ मुझे लेक्चर नहीं बैठने सब टीचर अच्छे हो ये बात याद रखना। प्लेटफॉर्म में अगर वो टीचिंग के प्लेटफॉर्म पे अगर बोर्ड पे सामने खड़ा हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेनिंग करना पड़ता है, समझ रहे हो, और हर एक टीचर बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान देता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, राइट। टीचर टीचर की भावनाओं को समझ सकता है, राइट। बैठा करो लेक्चर, वहाँ पे भी टीचर तुम्हें सिखाते हैं ना अच्छी अच्छी चीजें, पढ़ा करो और डेली डेली है ना सेल्फ स्टडी किया करो। चलो ये वापस से क्या हो गया, प्राइमरी क्या हो गया, प्राइमरी क्या हो गया, प्राइमरी नेक्स्ट। तो यहाँ पे वापस से मैं क्या यूज कर रहा हूँ, कॉपर, और टेम्परेचर क्या है 570। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ रहा, जैसे ऑक्सीजन आ रहा था एंटर ले रहा था, वाटर जा रहा था, है ना, H2 निकल रहा था, मोस्टली उस अल्कोहल में से H2 निकल रहा था, पर यहाँ पे कॉपर सप्लाई नहीं करेगा ऑक्सीजन, राइट। दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, डिहाइड्रोजनेशन, क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजनेशन क्या होता है इसका मतलब, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट वही शॉर्टकट वही चल रहा है, इधर का ये H, इधर का ये H, अच्छा छटा दो ये बॉन्ड को दो मोड़ दो और बनेगा क्या भाई, एल्डिहाइड, क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, एसिटाल्डिहाइड। अब अगर चाहिए तो तुम लिख सकते हो क्या, H2, लिख सकते हो, समझा क्या, आया ना। तो कॉपर प्लस 573 केल्विन यूज करो टेम्परेचर और कॉपर, तो प्राइमरी अल्कोहल से हमें क्या मिल जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल मिल जाएगा। तो इथेनॉल से क्या मिला, इथेनॉल से इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल से क्या मिला, वही, राइट। चलो ये सब अच्छा नोट कर लो, सेकेंडरी भी इजी, अब तो समझ गए होंगे, हाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेकेंडरी, अब ये सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, और सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, CH3, क्या बोलेंगे इसे, प्रोपेन, और वही वापस से यहाँ पे क्या जाएगा, CH3, क्या बना, प्रोपेन 2-1 एसीटोन, और लिख सकते हो बगल में क्या, H2, हाँ या ना, यस और नो बच्चा, यही लिखोगे ना, चलो ये बन गया, प्लीज इसको भी नोट कर। अब मैं फंसा हुआ, ये तो हो गया प्राइमरी, तो मतलब प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिला, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से क्या दे रहा है, कीटोन, ठीक है। अब टर्शरी से रब करूँ ना, मैं क्या है बच्चों, हाँ इसका नेमिंग बताओ, अच्छा आयु पैक पहले बताओ,
और इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल अल्कोहल आया ना अल्कोहल। इसकी डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री। स्पेशल है 1, 2, 3 ये टर्शरी 3 डिग्री और ये क्या हो गया टर्शरी अल्कोहल आया ना। अब इसमें अगर मैंने पीडीसी यूज किया और या तो पीसीसी यूज किया, ध्यान देना, समझ रहे मेरी बात को? पीडीसी या पीसीसी ये दोनों रिएजेंट इसका कुछ नहीं कर पाए। सीधा सीधा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो रिएक्शन। नो क्यों? क्या रीजन दोगे? एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसका मतलब? किसके बगल में? कार्बन। मतलब जिस उस कार्बन को देखोगे जिस कार्बन पे OH है, जैसे कि अगर वो OH आता है तो वो कार्बन क्या होता है? अल्फा होता है, याद है ना हमने? अगर डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्फा वाले कार्बन में क्या हुआ? एक भी H अवेलेबल नहीं। अल्फा कार्बन पे OH है बट उसमें H नहीं। एल्डिहाइड जब मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया था तो 2H अवेलेबल तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, बट सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो 1H था अवेलेबल तो भी हुआ ऑक्सीडेशन, पर टर्शरी लिया तो एक भी H अवेलेबल नहीं है। इस पे अल्फा कार्बन, तो अब्सेंस ऑफ व्हाट? अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम, इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन। मैं लिख देता हूँ अब्सेंस ऑफ ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन अल्फा कार्बन। क्लियर है ना? तो ये हो गया पीडीसी पीसीसी की बात, बट अब कॉपर में कहानी बदल जाए। कॉपर की कहानी बदलने वाली है, ध्यान देना। पीडीसी पीसीसी में नो रिएक्शन, बट कॉपर के अंदर अब यहाँ पे ये भाई साहब थोड़े इम्पोर्टेंट। अगर कॉपर में 1 डिग्री की बात करूं, कॉपर 573 की बात करूं, तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, तो कॉपर में 573 है ना, आया ना। 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री क्या देगा? कीटोन। 3 डिग्री देगा इसमें रिएक्शन होगा अल्कीन, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ दोनों में क्या हुआ? डी दोनों में क्या हुआ? डी हाइड्रोजनेशन। और यहाँ पे क्या होगा? डी हाइड्रेशन। डी हाइड्रेशन, डी हाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ एसिड, और डी हाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, आया ना? तो नोट कर लो, ये रख कर तुम्हें सर। ये कर तुम्हें? यस सर। ये नोट कर लिया ना? कॉपर 573 में प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा? एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल देगा कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल अल्कीन देगा। डिहाइड्रेशन होगा, राइट? चलो मैं करके दिखाता हूँ रिएक्शन। येलो, मैं यहाँ पे कॉपर लिखा, 573 केल्विन टेम्परेचर लिखा, बताओ इसमें अल्फा कार्बन कौन होगा?
यही होगा। हाँ तो बगल वाला कार्बन क्या होगा? बीटा। ये भी क्या होगा? बीटा। और ये कार्बन भी क्या होगा? बीटा। आयर। समझ रहे हो? तो यहाँ से OH निकलेगा, तो यहाँ पे ये H ऐसा कर ले, CH2 है ना, और एक H और डिहाइड्रेशन होगा। ये कॉपर यहाँ पे क्या काम कर देगा? डिहाइड्रेशन का काम कर देगा। तो ये OH यहाँ से और यहाँ से H निकाल देगा, तो OH और H मिलके क्या बन गया? H2। क्या बन गया? H2। वाटर बाहर क्या हो गया? बाहर। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3C CH3 CH2। इसका नेमिंग कोई बताएगा मुझे? बगल में यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? मिथाइल प्रोपीन 1-ईन। कॉमन नेम आइसो। वेरी गुड, आइसो ब्यूटीन बोल सकते हो या आयन लगा के ये आइसो ब्यूटीन आया ना। तो ये सभी को समझ में आया, मतलब कॉपर के केस में टर्शरी में भी क्या होता है रिएक्शन, और वो क्या देगा? अल्की, राइट? क्लियर है? बट पीडीसी पीसीसी में तो ये नोट कर लो, ठीक है? सो व्हाट ओके नेक्स्ट, अगेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं यूज करने जा रहा हूं। अभी इससे पहले हमने क्या किया था? माइल्ड। देखो माइल्ड में कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट? देखो तो ये 246 पेज पे तुम्हारे को ये क्या मिलेगा? अल्कोहल के चैप्टर में यही ऑक्सीडेशन का पार्ट मिलेगा, जिसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीडीसी पीसीसी और कॉपर 570। बट वही कार्बोक्सिलिक चैप्टर में भी जाओगे, कहाँ पे? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल, तो वहाँ पे भी तुम्हारे को ये सेम चीज मिलेगा, वहाँ पे भी ये ऑक्सीडेशन रिपीट होने वाला है। तो मैंने पेज नंबर डाल दिया है 274, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पेपर का पेज नंबर है, राइट? टेक्सटबुक का। तो वहाँ पे भी ये चीज वापस से रिपीट होने वाला है, तो ये चीज मैं वापस से वहाँ पे नहीं बताने वाला। इसको बोलते हैं एक तीर से दो निशाने, आया ना, राइट? और अगर एनसीईआरटी में भी जाओगे तो एनसीईआरटी में भी जैसे कॉपर था ना, कॉपर, तो कॉपर 573, तो कॉपर के साथ वहाँ पे सिल्वर भी ऐड किया हुआ है, कॉपर प्लस एच, मतलब कॉपर के जगह पे सिल्वर भी आ सकता है 573 का, राइट? तो कॉपर या तो एजी, ये तुम्हारे को एनसीईआरटी में मिलेगा देखने, पर महाराष्ट्र में खाली कॉपर होगा। और वही चीज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जब आएंगे तो तुम्हारे को K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और डाइल्यूट H2SO4। और जो दूसरा रिएजेंट है KMnO4 और डाइल्यूट H2SO4, आया ना? और एक रिएजेंट और लिखा हुआ है नाइट्रिक एसिड HNO3। क्या लिखा हुआ है बुक में अगर देखोगे? HNO3 मैंने लिखा नहीं, अगर इसी में काम चल जाता है, राइट ना? चीज तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे HNO3, ठीक है? तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस डाइल्यूट H2SO4 और KMnO4, राइट? और उसके साथ डाइल्यूट H2SO4, ओके? और एक HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये तुम्हारे को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं मिलेगा। जॉन्स रिएजेंट लिखा हुआ है CrO3, बट CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ये तुम्हारे को एनसीईआरटी के अभी के वाले बुक के पेज में 375, आया ना? 375 पेज पे मिल जाएगा। तो ये जॉन्स रिएजेंट, इसकी भी काउंटिंग इसमें आती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आया ना? यस सर, समझ गए ना? 375। तो ये हम यूज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी वापस से वही प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है? CH3CH2OH। तो पहले इसका शॉर्टकट बताओ तुम्हारे को। हाँ शॉर्टकट है ना, चलो शॉर्टकट बताओ। अब ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। पहला क्या था? माइल्ड। तो अब करेंगे क्या पता है तुम्हारे? ध्यान देना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन की एंट्री यहाँ पे भी हो जाएगी, एच सिंगल है और इधर भी एच सिंगल है, इस बार हम दो बार ऑक्सीजन को एंटर कर रहे हैं। माइल्ड में हमने कितनी बार एंटर कराए थे ऑक्सीजन? और कराए नहीं थे, मैं बताया था वहां से एक एच एच हिला दो बस खत्म, वो आसानी से पता चला। पर यहाँ पे एक दिखाता हूँ कैसे क्या हो रहा है। CH3 CoH तो ऑलरेडी यहाँ पे है, आया ना? तो ये OH तो है, तो ये H के आगे एंटर कर दो क्या? OH।
हाँ यार यहाँ पे वो है ना, यहाँ पे एंट्री दे दो एच के पहले को, और यहाँ पे भी एच के पहले एक ओ को एंट्री दे दो। ओ माय गॉड, अब एक कार्बन पे तीन ओ एच क्या हो, दो ओ एच, ओ एच आया तो भी अनस्टेबल होता है, दो ओ एच रहा तो वाटर निकल के हो सकता है एल्डिहाइड दे या तो कीटोन दे, बट तीन ओ एच आया तो समझ लेना क्या देगा, एसिड देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से ये एच ओ एच निकल गया बच्चा, आया ना क्लियर है वाटर, और ये बन जाएगा सी ओ एच, और ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन जाएगा ये तुम्हारा कंपाउंड क्या फॉर्म हो गया, दो बार एच है, दो एच है ना, दो एक कार्बन पे, तो दोनों जगह पे एंट्री दे दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्योंकि ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे K2Cr2O7 ले लो चाहे KMnO4 ले लो, आया ना, तो ये सीधा सीधा कंपाउंड किस में कन्वर्ट कर देगा एसिड। तो पहला पार्ट तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड क्या होगा वापस से एसिड में, अब मैं लॉन्ग टर्म बताता हूं, ये तो शॉर्टकट था, पहले ये नोट कर लो। अब यहां पे पहला स्टेप जो होगा वही, ध्यान देना बच्चों, यहां पे वही पहला स्टेप में क्या बनेगा, पहले स्टेप में तुम्हारे को एल्डिहाइड बनेगा, क्या बन के मिलेगा एल्डिहाइड। देखो यहां से एक ऑक्सीजन आएगा, ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, एक ऑक्सीजन आया तो दो एच हुआ, वाटर निकला, तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, ये तो हमने पीडीसी पीसीसी में भी देखा, बट इसके अंदर वापस से क्या होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, क्यों क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है स्ट्रॉन्ग, दिल मांगे और ये ऑक्सीजन वापस से एंट्री करा दो यहाँ पे, और एंट्री कराते यहाँ पे क्या हो जाए सी डबल बॉन्ड ओएच, ये देखो सी एस थ्री सी ओएच क्या बन गया इथेनोइक एसिड। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं, ये सीओ को ऐसा रख देता हूं, ओएच को इधर कर देता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से आसानी से समझे, यहाँ पे मैं लिख दिया सी डबल बॉन्ड हो यही है, पलट दिया राइट, और यहाँ पे क्या हो गया ओएच, एक ऑक्सीजन यहाँ पे इंटर कर दिया, यस और नो, ये क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि यहाँ पे तुम कार्बन देखोगे तो कितने कार्बन है राइट, अल्कोहल में भी कार्बन कितने, दो है, और जब एल्डिहाइड में जाओगे तो इसका लेविंग क्या है इथेनॉल, मैं इसका लेविंग ऊपर लिख रहा हूं, क्या माना ये इथेनॉल आया ना, और एसिटाइल के तो इसमें भी कार्बन कितने हैं दो राइट, और जो लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है कार्बोक्सिलिक इसको क्या बोलते हैं इथेनोइक एसिड, क्या बोलते हैं इथेनोइक एसिड, आया ना राइट, एसिडिक एसिड है ना ये इथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड क्या है कॉमन, इसमें भी कार्बन कितना है दो, तो देखो एक मजे की बात याद रखना, क्या बना अल्कोहल से क्या मिला मुझे एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल ना, क्या ये प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से क्या मिला कार्बोक्सिलिक राइट, तो इन तीनों के अंदर तुम देखोगे लेंथ ऑफ कार्बन एटम, लेंथ ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम, और मजे की बात तो ये याद रखना कि जो एल्डिहाइड होता है ना एल्डिहाइड वो रेडली अवेलेबल होता है क्या करने के लिए ऑक्सीडेशन करने, कौन से लोअर वाले लोअर कार्बन वाले, तो दिस एल्डिहाइड इज व्हाट, एल्डिहाइड इज रेडली अवेलेबल फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन, और लोअर कार्बन का क्या बोला मैंने, लोअर कार्बन तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड से, तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक, बट सब में कार्बन का नंबर्स क्या होगा सेम होगा, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं ठीक है। अब मैं आता हूं सेकेंडरी अल्कोहल, उसमें क्या होगा वो देखते हैं,
तो ये प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिला, एल्डिहाइड से क्या मिला एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज रेडली अवेलेबल फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन और लोअर कार्बन के एटम्स, राइट, और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो ध्यान देना, वो अगर एसिड में नहीं कन्वर्ट करना है तो जल्द से जल्द उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिमूव कर सकते हैं। समझ रहे हो आया कहा? तो खैर, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बट यहाँ पे एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा एसिड। इतना याद रखना कि लेंथ ऑफ कार्बन एटम प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम। अगर दो कार्बन से शुरू हो रहा है तो एल्डिहाइड में भी दो कार्बन, एसिड में भी दो कार्बन। अगर तीन कार्बन से शुरू हो रहा है प्रोपेनॉल, प्रोपेन वन ऑल, तो यहाँ पे बनेगा प्रोपेनॉल और यहाँ पे बनेगा प्रोपेनॉइक एसिड, तीन तीन का, क्लियर है ना। चलो अब सेकेंडरी में कुछ हटके होने वाला है, इसको मैं सेकेंडरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी अल्कोहल में मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये C के साथ CH3 CH3 है और HOH है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन 2- और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आया ना। अब इसमें मजे की बात देखना क्या होने वाला है कि यहाँ पे पहला तो फर्क, मतलब पहला ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडेशन करके यहाँ पे है ना, यहाँ का H, ये देख रहा हूँ ना शॉर्टकट, ये H निकल गया, ये बॉन्ड को मोड़ दो यहाँ पे और ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो एसीटोन तो दे देगा, क्या दे देगा एसीटोन, क्या दे देगा एसीटोन, कीटोन बन जाएगा प्रोपेनॉल। बट अब यहाँ पे है ना, ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, H नहीं है, H क्या था, पतलू पतलू आसानी से ऑक्सीजन एंटर कर रहा था, और ये मिथाइल, मिथाइल क्या है, बड़े बड़े साइज के, ये रेजिस्ट करेंगे, रोकेंगे स्टेरिक एंट्रेंस रेजिस्ट, राइट, ये रोकेगा, मतलब ऑक्सीजन को एंट्री नहीं लेने देगा, ये रेजिस्ट वर्ड हमारे महाराष्ट्र स्टेट पे लिखा, स्टेट बोर्ड के बुक में लिखा हुआ है, और यही जब कार्बोक्सिलिक के चैप्टर में जब जाएंगे तो ये कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, बट उसके लिए एक पॉइंट लिखा है विग्रस कंडीशन और साथ में एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर, ये टेम्परेचर यूज करेंगे और विग्रस कंडीशन, राइट, यस और नो। तो विग्रस कंडीशन और एलिवेटेड टेम्परेचर जब अप्लाई करेंगे तब जाके इसका कार्बन है ना ये टूटेगा, राइट। एल्डिहाइड में एक सिंगल एच था, इजीली ऑक्सीजन इंटर कर गया, मैंने बोला था ना एल्डिहाइड इज रेडली अवेलेबल फॉर व्हाट, फर्दर ऑक्सीडेशन। बट कीटोन में मिथाइल, मिथाइल आने की वजह से ये रोकेगा, ऑक्सीजन को एंट्री लेने नहीं देगा, बट हां कंडीशन बदलेंगे विग्रस कंडीशन, जैसे उसमें CrO3 यूज करेंगे, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड रिएजेंट, राइट ना, ओके, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग है ना, राइट। अगर ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके हम इसमें अगर रिएक्शन कराएंगे तब इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा, बट एक बोलते ना कार्बन का लेंथ क्या होगा, डिक्रीज। जैसे यहाँ पे एक बक्स, यहाँ पे पॉइंट दिखाता हूँ, चार ऑक्सीजन ले, इतना ऑक्सीजन लिया, ध्यान देना ये लॉकेट बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, राइट, CH3 निकल जाएगा, एक कार्बन क्या हो जाएगा, अगर तुम इसे छुपा दो और इधर OH लगा दो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड, बड़े कार्बन का लेंथ क्या होगा, समझ रहे हो, देख रहे हो ना, राइट। और किसको छुपाया था, इसको छुपाया था, अब इसको छुपा दो, क्यों इधर आया, अब इसको छुपा दो, CH3 C डबल बॉन्ड डैश OH लगा दो, तो वही हो गया एसिड, समझ रहे हो ना, ये शॉर्टकट था, क्या था, देखो इसको छुपाया मैंने, राइट, CH3 C डबल बॉन्ड हो और OH लगा दो तो क्या बना, इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फिर इसको छुपा दो तो CH3 C डबल बॉन्ड SOH है ना, C डबल बॉन्ड OH एथेनोइक एसिड, समझे क्या आया ना। तो कार्बन का लेंथ क्या होगा, डिक्रीज, विग्रस कंडीशन। तो ये तो हो गया शॉर्टकट, अब इसका लॉन्ग कट दिखाता हूं, शॉर्टकट अच्छा, समझ आ रहा ना, मजा आता है शॉर्टकट।
राइट, तो यहाँ से ये सी एस थ्री है ना, ऑक्सीजन से लेगा, ये कार्बन ले लेगा, दो ऑक्सीजन क्या ले लेगा, क्या बन जाएगा, जो कार्बन निकला है ना, तो वो ऑक्सीजन लेके CO2 बन जाएगा, और हाइड्रोजन तीन है तो उसमें से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ले लेगा, क्या बन जाएगा, तो अभी सी एस थ्री में क्या रह गया, यहाँ पे एक सिंगल एच और सी एस थ्री है, सी डबल बॉन्ड है ना, और जो एच है और ऑक्सीजन कितना चार था ना, तो दो तो इधर यूज हुआ सी के साथ, एक के साथ दो गया आया ना, एक एच टू में गया, दो और एक बच गया और एक एच बचा, तो चिपका दो यहाँ पे ओ एच, और इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं अच्छे से, यहाँ पे क्या बन गया OH, और ये क्या बन गया, हेरोइन आया ना, यही चीज हमने प्राइमरी अल्कोहल में भी मिला, इथेनॉल लिए थे, इथेनॉल भी इथेनॉइक एसिड, बट यहाँ पे क्या है, प्रोपेनॉल, राइट, प्रोपेनटोल, प्रोपेनटोल से क्या बना, प्रोपेनॉल, बट ये मिथाइल मिथाइल जल्दी से ऑक्सीजन को एंट्री करने लगे, बाउंसर्स, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये जब अगर करेंगे विग्रस कंडीशन, राइट, कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना अप्लाई करेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग लेंगे, तब जाके ये कार्बन का लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होके ये एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पार्ट तुम्हारे को कहां देखने को मिलेगा, फेज नंबर 174, तो मैंने अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक का भी पार्ट को कवर कर दिया, क्योंकि सेम सेम है, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन, लेंथ ऑफ कार्बन एटम सेम, यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन ना, ये देखो ना, ये एक है, ये दो है, और ये क्या है, तीन कार्बन, वन टू थ्री, और यहाँ पे भी क्या है, वन टू थ्री का आया ना, बट यहाँ पे लास्ट में देखोगे तो वन एंड वन टू कार्बन डिक्रीज आया ना, सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी नहीं ना, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा, वो आंसर तुम लाओ, तो शॉर्टकट समझा ना, yes, इधर से इसको छुपाओ OH लगाओ, इधर से उसको छुपाओ OH लगाओ, दोनों जगह से एक ही प्रोडक्ट बनाओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई भी एक ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, ठीक है ना, राइट, चलो इसका प्रोडक्ट फॉर्म करो, ये मैंने डायरेक्टली कीटोन लाके रखा है, क्या लाके रखा है, कीटोन, अब इसका दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा एसिड, वो तुम बताओ, अब वो अभी मुझे नहीं पता, मैंने मस्त शॉर्टकट दिया हूँ, दो प्रोडक्ट फॉर्म करो, दो एसिड बनेगा, मैंने इतना क्लू दे दिया हूँ, ये तो मैंने को कार्बोक्सिलिक के चैप्टर में देखने को मिलेगा, दूसरा डिपोल में, अभी मत ओपन करना, वो ट्राई करो, अभी मैंने एक शॉर्टकट दिया था ना, हाँ किधर भी एसिड बनेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, कोई भी एक एजेंट है, ठीक है, हो गया, बन गया, एक बार इसको छुपाओ, सीओ के बगल में ही देखो, सीओ पे फोकस करने का शॉर्टकट, इसको इसको
right? Mm. So propanoic acid and propionic. Yes. So propanoic acid and ethanoic acid. एक बार इसको छुपाया तो OH लगा दिया propanoic acid. और फिर एक बार इसको छुपाया OH लगा दिया तो क्या बन गया ethanoic acid. यहाँ पे ये देखो C double bond OH को लगाना है ना बगल में OH नहीं लगाया. तो देखो CH3 C double bond as इसको गायब कर दो और इसके बगल में OH लगा क्या बचाएगा CH3 CH2 C double bond as O एक बना प्रोपेनोइक और एक बना समझ में आया यस सर ठीक है CH2 है ना कुछ करना नहीं है तुम्हारे कोई सीओ है ये ग्रुप को हटा दो बन गया ही है और यहाँ पे भी ग्रुप को यहाँ पे छुपा दो बस आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करूंगा तुम लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बाय टाटा बाय सर थैंक यू सर